15,000 से कम है वेतन तो 2 साल तक ईपीएफ ऑफिस जमा करेगा पीएफ का पैसा। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू हेल्प में। दोस्तों, एक जो भी अपडेट है किन कर्मचारियों के लिए है, किन कर्मचारियों का पैसा ईपीएफ ऑफिस 2 साल तक जमा करेगा, आगे वीडियो में आपको पूरी जानकारी डिटेल के साथ बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपडेट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके उस अपडेट की तरफ। 15,000 से कम है वेतन तो 2 साल तक ईपीएफओ जमा कराएगा ईपीएफ का पैसा। दोस्तों, ये जो अपडेट है किन कर्मचारियों के लिए है, कोरोना काल में जिन कर्मचारियों की नौकरी चली गई थी और उन्हें 1 अक्टूबर 2020 के बाद नई नौकरी मिली है, तो उनके वेतन से पीएफ के पैसे नहीं कटेंगे। नियुक्ति के 2 साल तक इस पैसे को ईपीएफओ खुद कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा कराएगा। यह लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका वेतन 15,000 रुपये या उससे कम है। लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे कर्मचारियों और कंपनियों को राहत देते हुए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की है। इसके तहत बिना पीएफ का पैसा काटे कर्मचारी को पूरा वेतन के साथ ईपीएफओ द्वारा पीएफ पेंशन और बीमा का पूर्ण लाभ लेने का निर्णय दिया गया है। योजना के दायरे में उन कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है जिनकी नौकरी 1 अक्टूबर के बाद लगी है और करनाल स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 8 जिलों की हजारों कंपनियों और यहां 1 अक्टूबर के बाद नियुक्तियों का रिकॉर्ड विभाग में मांगा है ताकि हर पात्र कंपनी और कर्मचारी को इसका लाभ मिल सके। 1,000 से कम कर्मचारी तो कंपनी को भी फायदा होगा। योजना के अनुसार यदि कंपनी में 1,000 से कम कर्मचारी हैं तो कर्मचारी के पीएफ का कटने वाला 24% भाग सरकार देगी। यदि कर्मचारी की संख्या कंपनी में 1,000 से ज़्यादा है तो केवल कर्मचारी के हिस्से के कटने वाले 12% ईपीएफ की राशि सरकार देगी। कंपनी को पहले हिस्से के 12% खुद ही पहले की तरह जमा कराने होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपये से कम और कर्मचारी के पास आधार से लिंक एक ईपीएफ खाता होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए विभाग के लिए विशेष सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है जिसमें कर्मचारी की ईसीआर अपलोड करने पर ही उनके खाते में खुद पीएफ के पैसे जमा हो जाएंगे। विभाग के प्रयास का मुख्य उद्देश्य है कि कोरोना काल में हुई बेरोजगारी की भरपाई कर्मचारी को पूरी सैलरी देकर की जा सके। यदि कर्मचारियों की संख्या योजना के मानक के अनुसार है तो कंपनी को भी इसका फायदा होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है इस अपडेट में, जिन कर्मचारियों की कोरोना काल में नौकरी चली गई है और उनको 1 अक्टूबर 2020 के बाद नई नौकरी मिल गई है, उनके ईपीएफ खाते में ईपीएफ खुद 2 साल तक पैसे जमा करेगा। यह सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी सैलरी 15,000 रुपये या उससे कम है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।